नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरभि और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल फूड इन माय ऑरा पर। आज हम बनाएंगे स्प्राउट्स की गुडनेस से भरा हुआ कॉर्न एंड स्प्राउट्स कबाब, जो बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी बहुत इजी है। इसके लिए हम लेंगे 1 कप मकई के दाने, 1 कप अंकुरित मूंग, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टेबलस्पून पुदीना पाउडर, ये नहीं है तो आप ताजी पुदीना की पत्तियां भी ले सकते हैं, 8-9 काली मिर्च के दाने और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 आलू उबला और मैश किया हुआ और 1 पिंच मीठा सोडा, ये दोनों ऑप्शनल है। अब सबसे पहले एक ग्राइंडर जार में स्प्राउटेड मूंग को ट्रांसफ़र करेंगे और उन्हें कोर्सली ग्राइंड करेंगे। दरदरा ही पीसना है, इसके लिए सिर्फ 3 बार पल्स प्रेस कीजिए, ज़्यादा पीसना नहीं है। देखिए, इस तरह से हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी जार में ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक। आप चाहें तो अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और 7-8 काली मिर्च, चाहें तो काली मिर्च का पाउडर यूज़ करिए। एंड फिर मकई के दाने इसमें डालेंगे और इसे भी 3 पल्स तक ग्राइंड करना है, लाइक कोर्सली ही ग्राइंड करना है। इसको ज़्यादा नहीं पीसना है, वरना मकई से पानी छूटेगा। देखिए, इस तरह से हमने इसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब इसे भी मूंग के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 उबला और मैश किया हुआ आलू, और साथ ही डालेंगे अबाउट 1 टेबलस्पून पुदीना पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप पुदीना पाउडर ज़रूर डालिए, ये इसको बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है। चाहे पुदीना पाउडर यूज़ करें या फ्रेश पुदीना, ये आपकी चॉइस है। अब हम इस मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लेकर कबाब का शेप देंगे। आप चाहें जिस तरह का अपनी चॉइस से शेप दे सकते हैं, सर्कुलर या ओवल, जैसा आपको पसंद हो। और फिर इसे कॉर्नफ्लेक्स के पाउडर में कोट करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सर में पीस लिया था। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं, और इसी तरह बाकी के भी बना लेंगे। अब हम फ्लेम पर एक तवा को गर्म होने के लिए रखेंगे और उस पर थोड़ा ऑयल स्प्रेड करेंगे। जब ऑयल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो बनाए हैं हमने कबाब, उनको इस पर रख देंगे। इनको हम यहाँ शैलो फ्राई करने वाले हैं। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करके पकौड़ों जैसा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। बस मिक्सचर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लें ताकि वो अच्छे फ्लफी बने, और इसी तरह इन्हें अपम पॉट में भी बना सकते हैं, उसमें भी बेकिंग सोडा ज़रूर मिलाएं। इनके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, और जब नीचे से अच्छी तरह से सिक जाएंगे, इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इन्हें हम फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। इसी तरह से क्रिस्पी करना है। सी, अब ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके। कुछ स्प्राउट्स को प्लेट में रखेंगे और उन पर ये रखकर सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर पसंद आई है तो लाइक बटन, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।